लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑन 31 अक्टूबर 2019 आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंटू टू यूटीजे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को बाइफर्केट किया गया, डिवाइड किया गया और दो यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर जो पहले कैपिटल स्टेट था वो एक यूटी बना और लद्दाख को अलग करके एक दूसरा यूटी बनाया गया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज टू द नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयज टू द साउथ। यह सियाचिन ग्लेशियर से लेकर ग्रेट हिमालयज तक फैला हुआ है। लेह इज द कैपिटल ऑफ द लद्दाख और लद्दाख की कैपिटल लेह है। अब यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है? बेस्ड ऑन द इंदुस रिवर फॉर देयर लाइवलीहुड अबाउट 90% ऑफ द पीपुल ऑफ लद्दाख डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर बार्ली व्हीट बकव्हीट रैपसीड एंड बीन्स आर द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एप्पल्स एंड एप्रिकोट्स आर ग्रोन इन वार्मर रीजन्स ऑफ लो अल्टीट्यूड दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिप रियरिंग। यहाँ के भी 90% लोगों का जीवन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और वे बार्ली व्हीट बकव्हीट ये सब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ ये लोग शिप रियरिंग भी करते हैं। और यहाँ जो कम ऊंचाई के गर्म क्षेत्र है वहाँ एप्पल्स और एप्रिकोट्स जो फ्रूट्स है वे भी उपजाते हैं लगाते हैं। लाइफ स्टाइल लद्दाख के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है हम यहाँ जानेंगे। द पीपल ऑफ लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया द फेसेज एंड द फिजिक ऑफ द लद्दाख लद्दाखीस एंड द क्लोथ्स दे वियर आर मोर अकीन टू दोज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया देन ऑफ एशिया इंडिया। यहाँ रह रहे लोगों का जो यहाँ रह रहे लोग बिल्कुल पूरे भारत से भारत में रह रहे लोगों से भिन्न है क्योंकि उनका जो फिजिक फेस है या शारीरिक बनावट है वो और फिर वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं ये सब तिब्बत या सेंट्रल एशिया से ज़्यादा मिलता जुलता है और भारत के अन्य क्षेत्र से कम मिलता है। लद्दाखी तिब्बतन उर्दू एंड बाल्टी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ लद्दाख हाउएवर तिब्बतन एंड लद्दाखी आर द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेज स्पोकन बाय द लोकल्स। और यहाँ भी प्रमुख भाषा लद्दाखी तिब्बतन उर्दू और यहाँ बाल्टी है ये हिंदी के वर्ड से मिलता जुलता है लेकिन वो नहीं है। और फिर भी जो तिब्बतन और लद्दाखी है वो वहाँ के लोगों का सामान्य भाषा है जो सभी बोलते हैं।